जैसे कि इससे पहले ट्रॉन का चल रहा था, अब ईओएस का चल रहा है। ईओएस का जो रेट है बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और अब वो वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप लोगों के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो ये है कि ईओएस का अब क्या होगा, क्या वो वापस से उसका रेट पंप होगा या रेट धीरे धीरे डंप होता जाएगा, नीचे जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो उसका कारण क्या है, और अगर ऊपर गया था तो उसका क्या कारण है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट्स पे अगर हम ईओएस को देखते हैं तो हमें आगे का क्या मालूम पड़ता है, और ईओएस के मेन नेट के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि ईओएस एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, ईओएस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं, और ईओएस के जो टोकन हैं, ERC20 टोकन हैं, उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं बहुत सारे लोगों से पूछूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे 80 to 90% गलत आंसर मिलेंगे। देखिए, ईओएस जो है वो एक तरह का क्रिप्टो करेंसी टोकन है, और ईओएस जो है एक साल से ICO के थ्रू फंडिंग कर रही है, और उस फंडिंग के अंदर उन्होंने 1.5 बिलियन के आसपास तक फंड रेज कर लिया है। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ंड रेज कर दिया है। अगर हम और भी कंपनीज़ का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फेसबुक को लगभग 7 साल लग गए थे, ऊबर की बात करें तो ऊबर को 5 साल के आसपास लग गए थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा फंड्स इकट्ठा कर लिया, ठीक है। किस तरह से किया, सिंपल स्ट्रैटेजी से मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, किसी भी चीज़ को हाइप पे लेके जाइए और आप उसमें से फ़ंड रेज करिए। ईओएस जब आया था तब वो आया था एज ए सॉफ्टवेयर स्टार्टअप आया था, लेकिन उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था उस समय। उसके बाद से उन्होंने अपना टोकन सेल चालू किया ISO के थ्रू, लेकिन इन टोकन्स का एग्जैक्ट क्या यूज़ है वो भी अभी तक किसी को कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। आप नेट पे ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको अलग अलग न्यूज़ मिलेंगी, लेकिन मुझे अभी तक परफेक्ट न्यूज़ नहीं मिला है कि उसका पर्पस क्या है टोकन्स का। अब ईओएस जो है ये कहता है कि दे आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिसपे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो होंगे उनको लॉन्च किया जाएगा या डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये उनका एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी तक उनका ब्लॉकचेन रेडी नहीं है, ना ही उनका कुछ सॉफ्टवेयर रेडी है, कुछ नहीं है। अब ईओएस को जो सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के लिए, वो है एक वेबसाइट या कंपनी कह सकते हैं, Block.One, ठीक है। अगर आप Block.One के वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा कि दे आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ईओएस प्लेटफॉर्म, ओके। और उनका ये कहना है कि June 3 के आसपास ईओएस का मेन नेट लॉन्च होने वाला है। अब ईओएस का अगर मेन नेट लॉन्च हो जाएगा, क्या आपने ये सोचा है बिल्कुल कि ईओएस का जब मेन नेट चालू हो जाएगा तो आपके पास जो ईओएस के टोकन्स पड़े हैं उनका आप करेंगे क्या, या आपके पास अगर वो हैं तो उसको किस तरह से आप ईओएस के प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया तो जो भी आपके पास ईओएस टोकन्स हैं वो बेकार हो जाएंगे। देखिए, 3 जून जो है वो ईओएस के मेन नेट का डेट है। उससे पहले क्या होगा कि आपके जितने भी ERC20 टोकन्स हैं उसको फ्रोज़न कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। उसके बाद से ईओएस वाले किसी टूल की मदद से जितना भी ERC टोकन फ्रोज़न किया हुआ है उसका एक स्नैपशॉट लेंगे, और वो स्नैपशॉट के अंदर सभी का इथेरियम एड्रेस होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो ERC20 ईओएस का जो टोकन है उसका इथेरियम एड्रेस होगा, और हर एड्रेस में जितने जितने टोकन्स पड़े हैं उसको वो ईओएस के नए प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है इसका, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो है ईओएस काउंटडाउन। देखिए, ये वेबसाइट मुझे अभी ऑनलाइन मिली है, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना है कि ये सही वेबसाइट है या कोई और भी वेबसाइट है। मोस्टली तो मुझे ये सही वेबसाइट लग रही है। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा, टोकन स्नैपशॉट का डेट दिया गया है और कितने आवर्स यहाँ पे बचे हैं वो सारा डिटेल्स दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है कि टोकन रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू परचेज योर ईओएस टोकन्स ऑन एन एक्सचेंज यू मस्ट रजिस्टर देम बाई June 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना इथेरियम वैलेट एड्रेस डालना है, वेरीफाई माई ईओएस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, ये तो मैंने आपको ईओएस के बारे में बता दिया है, ईओएस का जो मेन नेट है उसके बारे में बता दिया है कि 3 जून के आसपास वो लॉन्च होने वाला है। कन्फर्म नहीं है अभी,
लेकिन उन्होंने कहा है कि इस डेट के आसपास लॉन्च होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं मार्केट पे आपको लेके आता हूँ, चार्ट्स पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने ओपन किया है, ये ईओएस बीटीसी का ओपन किया है। देखिए 2 तारीख को शाम के 6 बजे मैंने एक लाइव सेशन किया था, जहाँ पे मैंने बिटकॉइन का अपडेट्स दिया था और ट्रॉन के बारे में बताया था कि आप लोग वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, और जो भी ऑल्ट कॉइन्स का रेट काफ़ी पीक पे है, आप लोग वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट नीचे आने की ज़्यादा चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ही नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे आ जाएंगे। बिटकॉइन जो है वो अपने स्टेबल मार्क के अंदर घूम रहा है, 8,900 से लेके 9,200 के बीच में घूम रहा है। उसमें भी मैंने कहा है कि आप लोग थोड़ा चौकन्ना रहना, और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 3 तारीख आज सुबह अर्ली मॉर्निंग के आसपास मार्केट वापस ऊपर आया। ठीक है, फिर वापस से लोगों ने देख के बाइंग की होगी, और उसके बाद से देखिए मार्केट पूरा नीचे आ गया है, और ट्रॉन का भी यही हालत है। लेकिन ट्रॉन का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो डेवलपमेंट टीम है, प्रोजेक्ट्स है, प्लेटफॉर्म है, उसको मैं ईओएस से कंपेयर नहीं करूँगा। ठीक है, ट्रॉन का काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका रेट डाउन है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाइप पे चला गया था। ईओएस का जो है मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी हाइप पे गया है, और उसके बाद से इसका रेट आप देख सकते हैं पूरा नीचे की तरफ आया है। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, और ये जो आप पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हम ईओएस को और नीचे देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बता देता हूँ कि मैं यहाँ का वेट कर रहा था गोल्डन रेशियो जो है 61.8 का। तो गोल्डन रेशियो के आसपास काफ़ी 1-2 घंटे तक ये घूमता रहा, उसके बाद से इसने इस लेवल को तोड़ दिया है। अब इस लेवल को तोड़ा है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ 101% आएगा। ठीक है, और फिर वापस से जब तक 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल नहीं तोड़ देता ऊपर की तरफ, तब तक आप ऊपर की तरफ मार्केट नहीं देख सकते हैं। और ये जो इम्पल्सिव वेव का मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, तो ये तीसरा वेव है। तीसरा वेव जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से वापस से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे लेवल, और फिर वापस से नीचे आप देख सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि आप लोगों ने इसमें से ऑलरेडी एग्जिट ले लिया है, वापस इसमें री एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेन नेट अगर लॉन्च होने वाला है 3 तारीख के आसपास, और अगर वो डेट करेक्ट है, तो मेन नेट से पहले अगर और हमें कुछ बॉटम मिलता है अच्छा, तो हम उसके अंदर वापस से एंट्री ले लेंगे। और मेन नेट के वक्त इसका रेट हो सकता है वापस से ऊपर आए, तो हम वापस अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉइन को मैं लॉन्ग Hotstar All Sports Live Unlimited Uninterrupted at just $2.99 a year. टर्म होल्ड करने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है, आपको मौका मिल रहा है प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट कमा लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री लिया था, उन्होंने यहाँ तक कमा लिया, बहुत अच्छा कमा लिया है। ठीक है, लेकिन आप इसको होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि इनका जो पर्पज़ है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, इनका जो सॉफ्टवेयर है, उसका कुछ अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि किस तरह से वर्क करेगा। और एक और चीज़ है कि इस ईओएस के जो एक और फाउंडर थे, मेरे ख्याल से उनका नाम था ब्रॉक पियर्स करके था, उनको भी ईओएस की टीम से ऑलरेडी निकाल दिया गया है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्कैंडल्स और स्कैम से रिलेटेड था उनका नाम, तो इस वजह से उनको ईओएस की टीम से निकाल दिया गया था। तो दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मार्केट की जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखती है। अभी मार्केट में हाइप था तो सब लोग खरीद रहे थे, अब मार्केट में एक ख़राब न्यूज़ आ जाएगी तो और भी बहुत सारी ख़राब न्यूज़ आ जाती है, तो उसके वजह से क्या रहता है कि सारा ट्रेंड टूट जाता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और रेट नीचे की तरफ आ जाता है। बात अगर ट्रैक्स की करूँ, ट्रॉन की करूँ, तो उसकी भी वही हालत है, आप देख सकते हैं लगभग 5.25% नीचे आ गया है। ठीक है, तो मैंने ट्रॉन के अंदर भी आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि 1,087 के आसपास एग्जिट कर लीजिए, तो अच्छी बात है, बाद में बॉटम आएगा फिर बाय कर लेना। जिन लोगों ने किया है एग्जिट तो वो लोग अभी सेफ हैं, और जिन्होंने 1,000 पे भी बाई किया है तो उनका फंड अभी भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में लालच करना सही नहीं रहता है। 75% प्रॉफिट मिला है तो लेके निकल जाइए, दूसरे कॉइन्स रहते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। अब अगर वापस से हम ईओएस के ऊपर आते हैं चार्ट्स पे, तो यहाँ पे मैंने एक और बॉलिंगर बैंड्स को ओपन किया है। इसके साथ बॉलिंगर बैंड से मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया था कि बैंड जो हैं रेड और ग्रीन देख रहे हैं, जितना ज़्यादा दूरी पर रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियर इंडिकेशन देख रहे हैं, मार्केट पूरा नीचे की तरफ है। जब ये जो बैंड है
ये रेड वाले के साथ ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, तब आप मार्केट ऊपर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड बैंड था उसके साथ जितने बार्स अटैच थे तो मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद से जो भी बार्स थे उन्होंने रेड पार्ट को छोड़ दिया और नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक है, और ये सिंपल टर्म्स में ओवरसोल्ड और ओवरब्रॉड का एग्जांपल है, तो आपको इसमें से आइडिया मिल जाएगा। फाइनली चार्ट्स के अंदर मैं आपको दो इंडिकेटर्स और बता देता हूँ। पहले तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझाया हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI के बारे में। तो RSI जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझाया था कि ऊपर वाला जो है 70 यानी कि ओवरब्रॉड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदा जा चुका है, अब उसको बेचने की तैयारी है, और नीचे का जो लेवल था वो था 30 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक चुका है, अब खरीदने की तैयारी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माल ऑलरेडी मार्केट में खरीद चुका है। तो जिन लोगों ने, सिंपल सा है अगर लॉजिक, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा यहाँ पर बाइंग की, आप देख सकते हैं कर्सर और यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो लोग अपना माल पकड़ के तो नहीं बैठेंगे, वो लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और धीरे धीरे अपना माल बेचेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेलिंग देख रहे हैं, और ये जब तक आपका सेंटर पॉइंट क्रॉस ना कर जाए, 40 से 50 का RSI लेवल क्रॉस ना कर जाए, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर आएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्क्वीज़ मोमेंटम के बारे में समझाया था कि जब तक ग्रीन वाला डार्क है अच्छी बाइंग हो रही है, और जब ग्रीन वाला हल्का हुआ सेलिंग चालू हुई, तो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, आपको कुछ बाइंग नहीं करना है, बाइंग कुछ नहीं करना है, और जब ग्रीन वाला डार्क होता है तब आपको बाइंग करना रहता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप इसको ही पकड़ के चलते हैं तो आपको इसमें नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। और कुछ लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर्स कैसे लेना है, जो बाय एंड सेल सिग्नल जो मैंने बताया था, तो बहुत सिंपल चीज़ है, वो फ्री है, उसमें आपको कुछ रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस यहाँ इंडिकेटर्स पे जाइए, इंडिकेटर्स में यहाँ पे आप टाइप कीजिए ZIA। ठीक है, तो आपको राइट साइड में पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आपको जो मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर वो भी मिल जाएगा, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका भी इंडिकेटर मिल जाएगा, और बाय सेल सिग्नल जो फ्री वाला है वो भी मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ बाय सेल सिग्नल पर, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बाय सेल सिग्नल का पूरा यहाँ पे आ गया चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है। जिन लोगों को शॉर्ट करना था तो यहाँ पे पूरा सेलिंग का दिया हुआ है शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पे आप पूरा देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है, बाइंग का इंडिकेशन नहीं है। जब आपका एक बाइंग का इंडिकेशन आएगा आप बाय कर लीजिए, तो इसमें आप अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, और अगर इसको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो इधर भी आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन का मार्क एरो दिया बाय करने का, तो यहाँ से अगर जिन लोगों ने बाय किया होगा तो पूरा यहाँ तक उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो दोस्तों, अगर अभी हम देखते हैं EOS का जो रेट चल रहा है लगभग $17 के आसपास चल रहा है, 17.89, तो अगर ये पर्पल लाइन को भी नीचे क्रॉस कर देता है तो वापस से हम इसका रेट और नीचे देख सकते हैं, लगभग $15 के आसपास देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों EOS से रिलेटेड आप लोग की जितनी भी क्वेरीज होगी वो क्लियर हो गई होगी कि EOS में कब एंट्री लेना है या नहीं लेना है, और EOS का रेट मेन नेट के वक्त बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कब एंट्री लेनी है, और किस तरह से आपको अपने ERC20 जो EOS के टोकन्स हैं उसको किस तरह से EOS टोकन्स में कन्वर्ट करने हैं उनके मेन नेट लॉन्च होने के बाद। तो ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस वीडियो में हमने EOS के बारे में डिस्कस किया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और कॉइन के बारे में आप लोग को डिटेल में बता दूं एनालिसिस करके, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट डालिए